मुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, ये जो हर सुगर नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी अगर हुई तेरी हाँ तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी बजाएगा, तू जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन। पानी हो कम कंकर से निकाल, पीढ़ी का पसीना अपने सुर से निकाल, बस कर बातचीत रात गई थी तेरे सामने, सवेरा तेरे सामने है जीत। हाँ तो मेरे भाइयों की हलचल, आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग का रैंक पुश भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं लाइक हाउ टू पुश लीडरबोर्ड इजीली इन सीजन 19। जैसा गाइस आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि लाइक मैंने कल आपको बताया था कि लाइक आप किस तरह फटाफट रैंक पुश कर सकते हो, लाइक सिर्फ कॉन्करर टच कर सकते हो, बट जो लीडर बोर्ड गाइस उसे टच करना थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है कंपेयर टू कॉन्करर टच करने के। लाइक हम किस तरह रैंक पुश करते हैं गाइस लीडर बोर्ड के लिए, आप सबको तो पता ही होगा कि लाइक मैं लास्ट 3 सीजन से लीडर बोर्ड पुश कर रहा हूँ। लाइक सीजन 16 में मैं #3 में था सोलो में, सीजन 17 #2 और सीजन 18 में मैंने #1 किया डुओ में। तो ये 3 सीजन गाइस मैंने कैसे रैंक पुश किया तो वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे लीडर बोर्ड में रहा एंड तक भी बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं जो रैंक पुश हूँ वो नॉर्मली पुश करता हूँ, लाइक इतना हार्ड रैंक पुश नहीं करता हूँ, लाइक 6-7 दिन लेता हूँ उसमें रैंक पुश कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा खेलने पर गाइस रैंक पुश ज़्यादा प्लस नहीं होता। आप सबको बताएं कभी कभार बंदे दिन में 12 घंटा खेलने के बाद भी प्लस नहीं कर पाते, बिकॉज ज़्यादा मैच खेलते हो ना गाइस तो माइनस के चांसेस भी ज़्यादा है और प्लस के भी। बट आप सबको बताएं कि लाइक हमारा जब एक मैच माना जाता है ना तो हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लाइक उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मैचेस माने जाते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं दिन में 6-7 घंटा खेलता हूँ ताकि अपने मैचेस कम खेलूँ और उन कम मैचेस में अच्छे से फोकस कर खेलूँ ताकि मेरे हर मैचेस अच्छे जाएंगे और मुझे प्लस भी अच्छा कैसे मिलेगा। तो इस तरह का इसमें 6-7 दिन में तो रैंक पुश कर ही लेता हूँ, लाइक कॉन्करर तो इजीली पुश कर, बट लीडर बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट गाइस, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा बिकॉज आप सबको पता है लीडर बोर्ड में फिर आपको हैकर्स बहुत मिलने वाले हैं। अब गाइस हैकर्स आने वाले लॉबी में तो लॉबी में प्लस करना भी थोड़ा डिफरेंट होगा, और फिर अगर प्लस नहीं मिलता है तो हम डीमोटिवेट में फिर माइनस खाते हैं, लाइक थोड़ा रश खेलते हैं और जिसकी वजह से हमारा गेम प्ले खराब जाता है। तो वो सब भी बताऊंगी लाइक मैं किस तरह उसे हैंडल करता हूँ। तो देखो गाइस सबसे पहली बात, मैं दिन में जब मेरा कॉन्करर रैंक पुश हो जाता है तो मैं दिन में मिनिमम 8 मैच खेलता हूँ, लाइक 4-8-10 मैच के अराउंड, और उन मैचेस में एकदम अच्छा परफॉर्म करता हूँ। भले हैकर हो, अगर हैकर होता है तो हम जोन के बाद डैमेज लेते हैं, 4th जोन के बाद एंटर करते हैं 5th जोन में, उसके बाद जोन का एच खेलते हैं, मिड कभी नहीं खेलना, हैकर आपको इजी ला के मार देगा। अगर मैच में हैकर नहीं है तो ट्राई करना लाइक हम जैसा करते हैं, जोन का लाइक 3rd जोन है उसका मिड पकड़ लो, एक अच्छा सा पोजीशन पकड़ लो, किल्स उठाओ, लेकिन सिर्फ किल्स उठाना है, मतलब थर्ड पार्टी किल्स उठाना है, न कि जाके पुश करना है। थर्ड पार्टी का किल्स में गाइस आपके ऊपर कभी भी रिस्क नहीं होता और आप इजीली सर्वाइव कर लेते हो। उसके बाद रही बात प्लस की, लाइक हमें कितना प्लस करना चाहिए डेली, ज़्यादा नहीं करना है गाइस, आप सबको पता है कॉन्करर अगर 6-7 दिन में हो जाता है तो आपको लीडर बोर्ड के लिए 3rd वीक तक, जहां तक मुझे पता है कि लीडर बोर्ड 3rd वीक तक एकदम स्पीड में चढ़ता है, लाइक आपको बोलो तो अगर 4200 पे ऐसे तो 3rd वीक तक पॉइंट हो जाते हैं 5200 के अराउंड, लाइक 1000 पॉइंट। अगर आप डेली मैं बोलूँ तो 50 प्लस भी करोगे ना डेली तो आप 3 वीक के अंदर आप टॉप 3 में मिल जाओगे, और टॉप 3 गाइस इतना ईजी नहीं होता आप सबको पता है। तो मैं यही स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ गाइस, लाइक मैं डेली 30-50 का मेरा टारगेट होता है, अगर मेरा 30-50 टारगेट हो गया तो मैं अपने कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, कुछ और वीडियोस वगैरह बनाऊंगा और वीडियो को अच्छा बनाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलता हूँ बिकॉज मेरे को पता है अगर मैंने 50 प्लस कर लिया, अगर मैंने
और लालच की प्लस करने के चक्कर में और मेरा एक मैच में 50 माइनस हो गया, बिकॉज आप सबको बताएं अगर आप कॉन्करर लॉबी में उतरते ही मर चुके हैं, मर गए, तो आपका डायरेक्ट 40 प्लस अबव माइनस होगा, और उसे प्लस करने में गाइस अलग मेहनत वो अलग बात है, और उसे रिकवर करने में कभी कभार और आप और ज्यादा माइनस खा जाओगे, तो ट्राई करना गाइस कभी भी एक टारगेट लेके चलो, छोटा सा टारगेट लेके चलो, ज्यादा नहीं, बिकॉज आप डेली 50 प्लस करोगे तो 3 वीक लाइक 18 डेज में आप इजिली 900 प्लस कर लोगे। अगर आपका मैचेस अच्छे गए तो 50 के अबव भी हो सकता है, लाइक 60 प्लस हो जाएगा, तो इस तरह ट्राई करो गाइस, और कभी भी पैनिक होके मत खेलो गाइस, बिकॉज बहुत सारे बंदे हैं जो फाइट के टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, तो अपनी फाइट हार जाते हैं, तो ट्राई करो अपने ऐसे टीममेट के साथ खेलो जिसके साथ आपको कॉन्फिडेंट हो और उसके साथ आपका एक अच्छा खासा एनर्जी बना हो, तो आपको रैंक पुश के साथ साथ लीडर बोर्ड पुश करने में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो बस गाइस इतना ही, अब बात करते हैं ये वाले गेम प्ले गाइस। तो यहाँ पर हमारी 2v2 फाइट थी, तो हमने इन बंदों को तो मारा बड़ा इजिली, बट थोड़ा सा टाइम लिया, बट कोई ना, इनको मारने का था हमें चिकन भी एकदम इजिली मिल गया। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय।